अनलॉक वन में एसपी द्वारा कोविड 19 के मद्देनजर शहर क्षेत्र में आने जाने वाले मार्गों पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन की घोषणा की गई है। वहीं इसको लेकर प्रदेश सरकारों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार की अगुवाई में रामपुर जिले में भी 8 जून से लोगों को जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराए जाने के लिए दुकानें और धार्मिक स्थलों को नियमानुसार खोले जाने का प्रशासन स्तर पर ऑड इवन खाका तैयार किया गया है। रामपुर में अनलॉक वन के लागू होने के बाद 8 जून को खुलने वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों को लेकर पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के द्वारा जायजा लिया गया। एसपी ने अपनी टीम के साथ शहर के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही शाहबाद गेट पर एसपी ने खुद अपने वाहनों से गुजरने वाले लोगों को मास्क आदि को चेक किया और बैरिकेडिंग हटवाकर ट्रैफिक की व्यवस्था भी देखी। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के मुताबिक शहर और जनपद अनलॉक वन का पालन कराया जा रहा है। वहीं लोगों के मास्क आदि को चेक किया जा रहा है। जो लोग मास्क वगैरह का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को उनकी हालत देखते हुए मास्क भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को नियमानुसार छूट दिए जाने के बारे में बताया जा रहा है। कहा कि बैरियर हटाकर भी जाने की छूट दी जा रही है ताकि हालात देखकर मॉडिफाई करते रहें, भीड़ जमा ना हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जगह पर वाहनों की पार्किंग करें। शाम को 6 बजे तक आम बाजार खुलने के आदेश हैं और 6 बजे के बाद 8 बजे तक दूध या जरूरी चीजें हैं उन दुकानों के खुलने की परमिशन है। 100% लोग मास्क लगाकर फेस कवर करके ही निकले, जिसमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने आज अभियान चलाया। शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। इसमें फोकस पे है दो पहिया वाहन हो, जिसपे डबल सवारी ट्रिपल सवारी हो, नई उम्र के लड़के हों, क्राइम के एंगल से उनकी फिजिकल चेकिंग ले रहे हैं, उतार के चेक कर रहे हैं कहाँ से किस पर बसें निकले हैं। दूसरा जो मार्केट्स खुली हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं, हमने जो करी है पार्किंग अलग से बनाने की, तो उसकी व्यवस्था देख रहे हैं कि पार्किंग में लोग जा रहे हैं कि नहीं, बैरियर के आगे कितना ट्रैफिक चल रहा है। साथ में मार्केट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सब हम चेक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आदेश भी हैं कि शाम के टाइम पर पैदल गश्त हो, पैदल गश्त के साथ साथ चेकिंग भी हो रही है। 9 बजे तक ये अभियान चलेगा। जो शाम को 6 बजे तक तो खुलेंगी नॉर्मल दुकानें और 6 से 8 शाम को जो बची हुई दुकानें जैसे दूध की दुकानें एसेंशियल आइटम्स की ये खुलेंगी। 8 बजे पूरी मार्केट बंद करने का भी आदेश किया है। इसमें प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कैसे इसका पालन हो रहा है, क्या हो रहा है। और ट्रैफिक जैसे कि भी आप देख रहे हो बैरियर खोल दिया है 6 बजे से, तो 6 बजे के बाद कितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, इससे हमें कितना फर्क पड़ेगा, उसका एनालिसिस करके इसको आगे मॉडिफाई करते रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, मार्केट में भीड़ ना हो, लोग इसको फॉलो कर लें, इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। जो यहाँ पे दिख रहा है चौराहे पे, उसमें 95% लोग तो खुद ही अवेयर हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन से जा रहे हैं। जो नहीं है, जो पालन नहीं कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस को मान नहीं रहे हैं, अपने फ़ायदा नहीं देख रहे हैं, समझ नहीं रहे, उनको रोक के समझा रहे हैं, फ्री में मास्क भी दे रहे हैं, जिसकी जैसी कंडीशन दिख रही हो, लगता है कि जानबूझ के नहीं पहना है, उसके ऊपर जुर्माना भी कर रहे हैं, उसको मास्क दे रहे हैं कि भाई दोबारा उसको याद रहे जुर्माना हुआ था। कोशिश है कि 100% इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, 100% लोग अपना फेस कवर करके निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही मार्केट्स में या चौराहों पे ही अपने घर से बाहर निकले, कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जनता का सहयोग बहुत मिल रहा है इसमें। जो दिक्कत उक्का लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको समझा बुझा के पालन करा रहे हैं।